क्रिकेट वाला। आज हम आपको बिग बैश लीग 6 के सेकंड सेमीफाइनल के बारे में बताएंगे जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर के मुकाबले। दोनों टीमें बहुत अच्छी बहुत स्ट्रांग हैं, स्पेशली ब्रिस्बेन हीट पहली मतलब सेमीफाइनल खेल रही है और ब्रेंडन मैकुलम जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है और ब्रिस्बेन हीट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। थोड़े से उन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले ब्रिस्बेन हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिस्बेन हीट बहुत अच्छी फॉर्म में है, ब्रेंडन मैकुलम जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से लेके जा रहे हैं और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट उनका साथ दे रहे हैं। क्रिस गेल को बिग बैच लीग परफॉर्मेंस की बेस पर ही पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में शामिल किया गया था लेकिन वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म ना कर सके जिसकी वजह से उनको बाकी ओडीआई में ड्रॉप कर दिया। क्रिस गेल ने अब बिग बैच लीग में दोबारा ज्वाइन किया हुआ टीम को और ब्रेंडन मैकुलम का भरपूर साथ दे रहे हैं। बटन खेलने के लिए आते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 3-4 मैच ही अपनी टीम में जितवा चुके हैं सिंगल हैंडेड अपनी परफॉर्मेंस और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी साइन किया है। इस बिग बैच में 11 छक्के एक मैच में उन्होंने मारे जिसमें उन्होंने 98 रन भी स्कोर किए। उनका साथ ब्रेंडन मैकुलम बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं जिसने बैन कटिंग और पियर्सन ये 4 इनके मेन बैट्समैन हैं जो बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं। पियर्सन ब्रेंडन मैकुलम का साथ ओपनिंग प्लेयर है, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं, वो भी अंजाम देते हैं। तो ब्रिस्बेन हीट की टीम बैटिंग के शोबे में काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, बेहतर मैच बैटिंग की वजह से बाकी तमाम यंग बॉलिंग कर रहे हैं और इसमें स्टैकिटी बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टूर्नामेंट में थ्रू आउट पर उनका साथ दे रहे हैं। यंगस्टर स्वीपसन लेग स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसके लिए इनको इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी टीम में शामिल किया गया। लेग स्पिनर स्वीपसन को इनको एडम जैम्पा पर तरजीह दी गई है और टेस्ट स्क्वाड में टीम में शामिल किया गया इंडिया के खिलाफ। तो टैलेंट है और यंग है, इनको 22 साल के हैं, टीम में भी शामिल हुए हैं, तो देखते हैं कि अब ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और वाइटर हॉक्स वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग अंजाम दे रहे हैं। तो इंडिया ब्रिस्बेन हीट की जो है वो बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी बैलेंस है और बहुत अच्छे तरीके से मोस्टली टीम जो है वो यंग है, यंग टीम इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया ने इस वक्त ब्रेंडन मैकुलम को दिया और वो यंग टीम को ट्रेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस टीम को लेकर जा रहे हैं और सेमीफाइनल तक को पहुँचाने में कामयाब है। अब देखते हैं सेमीफाइनल को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप सिडनी सिक्सर की तरफ आते हैं, सिडनी सिक्सर बहुत एक्सपीरियंस एक मतलब जीत चुकी है और बहुत अच्छी टीम है, एक मतलब नए कप्तान है, बहुत अच्छी सेंचुरीज बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में बहुत अच्छे तरीके से जीत हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग में भी वन ऑफ दी जगह आ रहे हैं और 75 स्कोर भी गेम है एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इस मैच में हम देखते हैं सेमीफाइनल में क्या करते हैं और इनके जो मेन प्लेयर हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल टीम के साथ खेली हैं, अगर भी उनको भी मिल जाती है सेमीफाइनल खेलने की तो फिर तो सिडनी सिक्सर बहुत ही फेवरेट साबित हो सकते हैं। उन्हें जोश हेजर को भी उनकी टीम में जानते हैं और मिडिल स्टार भी जो लीडिंग फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम है, अगर इन दोनों को रिलीज कर दिया जाता है इजाजत मिल जाती है कि वो बिग बैश लीग का सेमीफाइनल खेल लें तो हो सकता है तो फिर सिडनी सिक्सर की टीम डेफिनेटली इस टाइटल के लिए फेवरेट होगी, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इन दोनों के आने से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन बधाई इस तरह का भी नज़र नहीं आ रहा है कि उनको रिलीज किया जाए या ना किया जाए, लेकिन बधाई ये नज़र आ रहा है उनको रिलीज नहीं किया जाए और उनके बगैर ही उस मैदान में करना पड़ेगा। अगर इनकी बैटिंग की बात करें सिडनी सिक्सर की, सिडनी सिक्सर की बैटिंग में जो है हेनरी गस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, जब आप देखते हैं लेफ्ट हैंडेड स्लिप पर बैट्समैन जो कि चेन्नई से रिटायर हुआ है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और टीम में आकर जिस तरीके से मैच को लेकर जाते हैं अमूमन 5-7 ओवर ही तो मिलते हैं और ये उसमें ही सारे मैच का पारा भर देते हैं। बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ऐसे टीम में भी खेलते हैं और बहुत एक्सपीरियंस और फुल अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए टीम को लेकर चलते हैं। ब्रेट हेडन के अलावा माइकल लंब भी इनकी टीम में शामिल है, माइकल लंब जेसन रॉय पहले शामिल थे, जेसन रॉय दुनिया चले गए हैं
इंग्लैंड और इंडिया के दो के मैचेस हो रहे हैं, लेकिन अब माइकल लंब को जान दिया जा रहा है ओपनिंग में। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन है। जिस मैच में उतर जाएंगे तो हो सकता है कि अगर वो शुरू में क्लिक कर जाते हैं पांच सात ओवर, सिर्फ पावर प्ले और खेल जाते हैं तो अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा टिम मैटिनसन भी इनकी टीम में ऑस्ट्रेलिया के नए यंगस्टर उभरते हुए सितारे हैं, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी क्या लोग किएगा था, लेकिन इतने तरीके से परफॉर्म ना कर सके, लेकिन बिग बैश में भी आपको साबित करने का एक अच्छा फॉर्मेट है। इसके बाद अगर साबित कर लेते हैं तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इनको इंडिया के दौरे में दोबारा कंसिडर कर सकती है। तो ये इनके बैटिंग का शोभा हो गया, बॉलिंग में ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे अच्छे बॉलर शामिल हैं, देखा जाए तो फास्ट बॉलर के डिपार्टमेंट में जैक्सन बर्ड इनके पास है, जैक्सन बर्ड बहुत अच्छे बॉलर हैं। डॉग ब्रिंजल इनकी टीम में शामिल है, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट कंसिडर किए जाते हैं, तो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा शॉन हैबिट के भी टीम में शामिल, शॉन हैबिट भी बहुत अच्छे बॉलर है, ऑलराउंडर परफॉर्मर है। जिस तरीके से पिछले मैच में बैटिंग करके टीम को जिताया वो वाकई काफी तारीफ का, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की और बैटिंग करके अपनी टीम को कामयाबी दिखाई। तो इनके पास बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी है, सिडनी सिक्सर की बहुत बैलेंस साइड है एज कम्पेयर टू ब्रिस्बेन हीट। सिडनी सिक्सर काफ़ी बैलेंस साइड है, बहुत अच्छी बैटिंग है और बहुत अच्छी बॉलिंग है, और अगर इनको जोश हेजल वुड और मिचेल स्टार्क मिल जाते हैं रिलीज करवाने में कामयाब हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो सिडनी सिक्सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा भी इनके पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी दोनों एक्सपीरियंस और फर्स्ट चॉइस स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, हमेशा टेस्ट में उन्हीं को जान दिया जाता है। स्टीवन हॉकिंस बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे तरीके से बॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सचिन लियोन भी इनकी टीम में शामिल कर सकते हैं, लियोन जो ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बॉलर हैं इस वक्त, और आदित्य सबसे अच्छे स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, वनडे में भी उन्हीं को जान दिया जाता है जब भी स्पिनिंग विकेट होती है, और टेस्ट में भी हमेशा सचिन लियोन को ही खिलाया जाता है। तो फर्स्ट चॉइस स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के भी इनके पास है और फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर भी ऑस्ट्रेलिया के इनके पास है, तो यही है कि बॉलिंग जो है इनका मेन स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ कि सिडनी सिक्सर की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, अगर वो अच्छी बॉलिंग कम स्कोर भी करते हैं तो उनकी बॉलिंग में इतनी एबिलिटी है कि वो उस स्कोर पर डिफेंड कर सकते हैं, लेस देन 150 स्कोर पर डिफेंड कर सकते हैं। अगर क्रिस लिन और ब्रेंडन मैकलम जल्दी आउट हो जाते हैं तो सिडनी सिक्सर लेस देन 150 भी इजीली डिफेंड कर सकती है, लेकिन क्या कंडीशन यही है कि क्रिस लिन और ब्रेंडन मैकलम को जल्दी आउट करना पड़ेगा। ये होगी इनकी स्ट्रेंथ, और आप दोनों टीमों के स्क्वाड की तरफ आते हैं कि स्क्वाड क्या खिलाया जाएगा। स्क्वाड तो ऑलमोस्ट सेम ही, अगर प्लेयर भी नहीं होते तो जो आउटसाइडर खेलेंगे ब्रेंडन मैकुलम और सैम जल्दी ही खेलेंगे। इनकी तरफ से जो ओवरसीज प्लेयर, दो ओवरसीज प्लेयर आप लोगों को पता है कि दो ओवरसीज प्लेयर खिलाए जाते हैं, जिसमें ओवरसीज प्लेयर हैं जो इनके पास ब्रेंडन मैकुलम और सैम चौधरी, और दोनों मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे हैं। शुरू के स्पेल चौधरी करते हैं, सेकेंड ओवर करते हैं, कभी पहला ओवर भी करते हैं, और ब्रेंडन मैकुलम कैप्टन है वो माइकल लंब को खिलाएगी, और माइकल लंब के खिलाफ जोहान बोथा जो है ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो लोग जोहान बोथा और माइकल लंब को तरजीह देंगे। और ओवरसीज प्लेयर में दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, माइकल लंब ओपनिंग में अच्छी बैटर अच्छी फिल्टर भी हैं, उसके अलावा जोहान बोथा बहुत अच्छे फिल्टर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन और बहुत अच्छे बॉलर हैं, तीनों तरह की फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बाकी सिडनी सिक्सर मारकर हेनरिकस जो है वो डिपेंड करते हैं हेनरिकस की बैटिंग पर, हेनरिकस देखने ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ब्रेट हेडन देखने ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, माइकल लंब देखें, निक मेडिसन देखें, यही स्पॉट्स लाने को मिलती जा रही है। ऐसी चेंजेस की कोई उम्मीद नहीं है, जो पिछले मैच में ऑलमोस्ट कोई टीम सेमीफाइनल में आने के भी चांसेस हैं। अब टॉस की तरफ आते हैं, टॉस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस मैच में, क्योंकि जो के ब्रिस्बेन हीट की टीम है तो ब्रिस्बेन हीट जो है बहुत ज़्यादा बैटिंग पे डिपेंड करती है, और बैटिंग के डिपार्टमेंट में भी स्पेशली ब्रेट हेडन और क्रिस लिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये दो प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही कोशिश करेंगे कि हम चेज करने के लिए जाएँ, अगर वो टॉस जीतेंगे तो डेफिनेटली ब्रिस्बेन हीट की टीम पहले
बॉलिंग करेगी, पहले बॉलिंग का फैसला करेगी ताकि वो बॉलर को जितना भी चांस हो सकता है वो ले लें, उनके रन बन जाए। बाद में इन दो प्लेयर पे मेन ही फोकस करते हैं और दोनों प्लेयरों ने इतना साबित भी किया है। शुरू में इतना अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं कि बाद में आगे बैट्समैन विकेट बहुत मैच को ईजी कर जाते हैं। इसलिए अगर ब्रिस्बेन हीट की नज़र से देखा जाए तो ब्रिस्बेन हीट के भी नॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ब्रेंडन मैकुलम बहुत दकी भी रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत ज़्यादा टॉस को जीत भी चुके हैं। टॉस ब्रिस्बेन हीट जैसे ही जब भी जीतेगा तो वो पहले जीतने का फैसला ही करेगा। और भी अगर है अगर हम जाते हैं सिडनी सिक्सर की तरह तो सिडनी सिक्सर जो है वो काफ़ी बैलेंस साइड है बैटिंग भी और बॉलिंग भी, लेकिन उनको कमजोरी पता है ब्रिस्बेन हीट की कि वो ज्यादा डिपेंडेंट होंगे करते, तो वो कोशिश ये करेंगे कि इनको पहले खिलाया जाए, पहले बैटिंग करवाई जाए और बाद में खुद बैटिंग की जाए ताकि उनकी जो कमजोरी है वो उससे भरपूर फायदा उठाया जाए। अदरवाइज उनको कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ से चाहे बैटिंग करें बॉलिंग करें, वैसे उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग करके वो यही कोशिश करेंगे कि पहले बॉलिंग करें उनका फायदा उठाएं और कम से कम रन पे रिसीव करें और बाद में आकर के लिए रन बनाने की बैटिंग उनकी काफ़ी अच्छी है। अब पिच की तरफ जाते हैं, पिच जो है वो ब्रिस्बेन की अच्छी विकेट है, अमूमन जो होती है ऑस्ट्रेलिया के विकेट वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा फोन करती है, फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है, फर्स्ट क्लास फास्ट बॉलर जैक्सन बर्ड बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छी स्विंग बॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर करते हैं, तो मोस्टली जो पिच की तरफ हम जाते हैं तो पिच जो है वो हमेशा फास्ट बॉलर को ही सपोर्ट करेगी और फास्ट बॉलर बहुत अच्छी स्पिन बॉलर सिर्फ इसलिए वहाँ मददगार होते हैं कि बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, सिक्स मारने में नहीं होते, तो विकेट जो है वो हमेशा फॉर बॉलर को सपोर्ट करती है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब ऐसे ही होगा फॉर बॉलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और बॉलिंग के डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो सिडनी सिक्सर को थोड़ी सी एज हासिल है, उनके पास अच्छे फॉर बॉलर बड़े क्लास फॉर बॉलर दोनों अच्छे बड़े क्लास फॉर बॉलर है। अब थोड़ा सा दोनों की टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की तरफ आ जाते हैं, कौन सा प्लेयर पर ज्यादा फोकस करेंगे, कौन सा प्लेयर को ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए। जहाँ तक ब्रिस्बेन हीट का है, ब्रिस्बेन हीट का तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस गेल पे। तो सिडनी सिक्सर की टीम जो है ब्रेंड हैटन इनकी रीड की सबसे ज्यादा बहुत इनको इनकी पोजीशन को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जैसे जैसे पोजीशन होती है इसी लिहाज से इनको भेजा जाता है, इनका कोई नंबर नहीं है किस नंबर पर इनको खिलाया जाए। और अब मैच की प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेवरेट का शिकार हूँ, तो मैं यही फेवरेट जो है ब्रेंडन मैकुलम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी कोशिश यही है और मैं यही चाहता हूँ कि ब्रिस्बेन हीट की टीम ये मैच जीत जाए और ब्रेंडन मैकुलम अपनी टीम को फाइनल में लेकर जाए और ब्रिस्बेन हीट अपना बिग बैच का पहला फाइनल खेलने में कामयाब हो जाए। मेरी टीम इस मैच में ब्रिस्बेन हीट की टीम है और ब्रिस्बेन हीट ये मैच जीतेगा और इंशाल्लाह ब्रेंडन मैकुलम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे।